प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि सर, कोविड रिलेटेड जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें हम क्या फिल करें, यस करें कि नो करें। तो बच्चों, जैसे ही आप एडमिट कार्ड लिंक पे क्लिक करेंगे, अपने सारे डिटेल को फिल करेंगे, उसके बाद सामने आपका ये लिंक ओपन होके आ जाएगा। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन एंड रेलिवेंट ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू कोविड-19 पैंडमिक। दूसरा है आई हैव इन द लास्ट 14 डेज। इसके बाद आपका ABCD, यानी लास्ट 14 डेज में आपने क्या किया है उसके बारे में आपको अपना विवरण देना है। जैसे कि द फॉलोइंग फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर इसमें से किसी भी कोई भी सिम्टम्स है आप तो उस पर टिक कर दीजिएगा, नहीं तो उसको छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। फिर बी में है बी इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द कन्फर्म्ड केस ऑफ द कोविड-19। ऐसा पेशेंट जिसको कोविड-19 का कन्फर्म्ड है, उसको बीमारी है, उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आप रहे हो, लेस देन 1 मीटर की डिस्टेंस हो, और कब तक रहे हो, मोर देन 15 मिनट्स, 15 मिनट से ज़्यादा समय तक रहे हो। अगर ऐसा केस है बच्चा तो एस कर दीजिएगा, और ऐसा कोई केस नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। दूसरा पूछा है नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। आप किसी ऐसे पर्सन के कॉन्टेक्ट में नहीं रहे हैं, अगर नहीं रहे हैं तो क्या कर देंगे बच्चों, यस कर दीजिएगा, अगर आप रहे हैं तो नो कर दीजिएगा। ट्रेवल द फॉलोइंग सिटीज या कंट्री इन द लास्ट 14 डेज प्रायर टू अराइविंग एट द सेंटर। सेंटर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उससे 14 डेज पहले आप कहीं ऐसा ट्रेवल तो नहीं किए हैं, अगर नहीं तो आप नो कर दीजिएगा, अगर किया है तो एस कर दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिएगा, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। सेफ्टी पर्पज़ के लिए बच्चों, एडमिट कार्ड का कम से कम आप 3 से 4 प्रिंट निकलवा लीजिएगा। जो फोटोग्राफ्स आपने एप्लीकेशन फॉर्म, जो फोटोग्राफ्स आपका बच्चा एडमिट कार्ड में आया हुआ है, सेम फोटोग्राफ की कम से कम 3 से 4 कॉपी आपको ले जानी चाहिए एग्जामिनेशन सेंटर पे सेफ्टी पर्पज़ के लिए। साथ ही साथ जो आपका पोस्ट कार्ड साइज वाला फोटो है उसको भी ले जाइएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।